तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका दूसरे राज्यों में जाना रुक सके। साथ ही आपको बता दें कि ये विधेयक विधानसभा के पटक पर खिलाड़ियों के हित में पास किया गया है, जिससे प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी। इसके तहत ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस ऐतिहासिक क्षण की प्रदेश के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अपने आप में खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय, जो कि खिलाड़ियों को 4% का क्षैतिज आरक्षण देता है, यह बहुत ही लंबे समय से खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा प्रत्याशित रूप से वे इसका इंतजार कर रहे थे। और मुझे आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में, सहयोग के साथ में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ और टेबल होने के साथ ही कल उसका पारण हो गया। तो मैं मानती हूँ कि अब यह बिल कानून का रूप लेगा और हमारे खिलाड़ी बच्चों को 4% का आरक्षण उनको नौकरियों में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि उत्तराखंड अब आने वाले समय में देवभूमि के साथ साथ में खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों को कह सकते हैं कि खेलेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड, यानी कि बच्चे मेडल लाएंगे और नौकरी पाएंगे। इसके साथ साथ में कहते हुए भी और प्रसन्नता होती है कि राज्य सरकार ने, धामी जी ने, युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब का भी व्यवस्था दी है, जिसमें हमारे 31 खिलाड़ियों का चयन भी हो चुका है। वे युवा कल्याण विभाग में, वे खेल विभाग में, वे पुलिस विभाग में, वे फॉरेस्ट विभाग में अब अपनी सेवाएं दे पाएंगे। बहुत जल्द इनकी नियुक्ति का पत्र भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए नजीर बनने जा रहा है, जहां खिलाड़ियों के हित में आउट ऑफ टर्न जैसी व्यवस्था भी है और साथ ही उनके लिए 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन की व्यवस्था भी कर दी गई है। तो मैं मानती हूं कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है और खेल मंत्री रहते हुए मुझे ये सब कर सकने में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देती हूँ।